सारी दुकानें जो है बाइक के स्पेयर पार्ट्स, आपको ए टू जेड बाइक का स्पेयर पार्ट्स, ए टू जेड बाइक का मॉडिफिकेशन। तो स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं ले चलूंगा उस जगह पर जहां पर बाइक का सभी मॉडिफिकेशन मतलब ए टू जेड मॉडिफिकेशन हो जाता है, और आपको स्पेयर पार्ट्स भी अगर चाहिए इंजन से लेके फॉग लाइट मतलब हर एक चीज़ ए टू जेड आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा, चाहे कोई भी बाइक हो। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बताया था, जैसे कि टॉप बॉक्स, बैक सीट हो गया, और ये फॉग लाइट हो गया, ठीक है, और ये हो गया DRL का स्टिकर। अभी मैंने फिलहाल में ये लगवाया वाइज़र, इधर के अलावा मैंने इस पर जो स्टिकरिंग कराया और रेडियम की, ये भी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा ये है। और प्लस मैंने ये कान की चीज़ लगाया हूँ, अगर आपकी घर में लेडीज हो अगर बैठने वाली, तरफ पैर रहेगा और अपोजिट साइड में वो हाथ से पकड़ सकती है, सपोर्ट मिलेगा। प्लस ये आपको अगर आप अपने घर का सामान वगैरह भी लाते हो तो ये हुक आपको बड़ा काम आएगा सामान टांगने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने लगाया हूँ यहाँ पे ब्रेक लाइट, जो कि लेजर फ्लिकरिंग ब्रेक लाइट है, ठीक है, ये दो, ठीक है, 100 रुपये में बस आ जाती है ब्रेक लाइट्स, और लगाने का आपको 80-100 रुपया देना होगा। तो ये कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं ब्रेक पकड़ूंगा तो आप देखिएगा कैसे काम कर रही है ये, ठीक है। जैसे ही मैं ब्रेक पकड़ता हूँ ये ब्रेक लाइट तो जलता है, ये साथ में ये भी जलता है फ्लिकर होकर, रात में और अच्छे से पता चलता है, मगर अभी दिन के टाइम पे इतना पता नहीं चलेगा, रात में काफ़ी अच्छा लगता है। और फॉग लाइट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था इसके पहले वाली वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ, दोनों कलर चेंज होता है, वाइट और रेड। और फ्रंट में ये गाड़ी का लुक कुछ ऐसे आता है वाइजर के साथ, और अपना ग्रीन एक्सेंट है, जैसे कि मैंने टायर रिम्स में ये स्टिकर लगाया था, ये भी ग्रीन कलर है, और अपने गाड़ी का कलर भी ग्रीन है, वाइजर के ऊपर का रेडियम भी ग्रीन है, DRL के ऊपर का स्टिकर भी ग्रीन है, तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, तो एक एक्सेंट सूट हो रहा है इस गाड़ी पर ग्रीन का, इसीलिए मैंने ग्रीन करवाया सभी। तो चलिए अब चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर आप एकदम सस्ते में अपना बाइक का मॉडिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है, इससे भी अच्छा चाहो तो आप करा सकते हो, मैंने तो सिंपल करवाया है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बाइक को और ले चलते हैं आपको राइड पर वसई ईस्ट के उस बाइक मार्केट में जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जहाँ पर मैंने अपना मॉडिफिकेशन कराया है, और वो सबसे सस्ता पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी का जो राइड रिव्यू मैं इसके पहले वाली वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में बस मैं आपको मार्केट जाकर दिखाऊंगा कि कहाँ पर है वो मार्केट। वैसे अगर आप बोरीली साइड से आते हो तो वसई फाटे से आपको लेफ़्ट मारना पड़ेगा, और अगर आप पालघर साइड से आते हो तो आपको वसई फाटे से राइट मारना पड़ेगा। बाइक वालों का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, कोई भी गली पकड़ के निकल जाते हैं, हम लोग कोई टेंशन नहीं है, बस आंटी लोग सामने से नहीं आना चाहिए, आंटी लोग भिड़ जाते हैं आके तो मसला हो जाता है। वैसे गाड़ी हैंडलिंग में बहुत मस्त है यार ये, मतलब इतनी हल्की लगती है ना, क्या बोलूँ। ऐसे रोड पर लोग कहीं से भी आ जाते देखते नहीं हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है ऐसे रोड पर। काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर, बस हमारा डेस्टिनेशन अब करीब आ गया है।
और बस यहाँ से आप आ रहे हो वसई स्टेशन की तरफ से, तो आपको लेफ्ट लेना होगा यहाँ से। देखो अब जहाँ से मैं लेफ्ट ले रहा हूँ यही है वो गली जहाँ पर गाड़ियों का काम होता है, अगर उस फाटे से आओगे तो वो साइड से। रोड थोड़ा ख़राब होगा आपको, आपको यहाँ रोड ख़राब मिलेगा तो संभाल कराइएगा, ज़्यादा स्पीडिंग मत करिएगा क्योंकि बच्चे भी हो सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया भी है प्लस ये यहाँ पर दुकानें भी है सब कुछ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो शुरू होता है ये होटल SMD आएगा, देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये मार्केट। और आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में दोनों जगह पर आपको बस बाइक के ही स्पेयर पार्ट्स की दुकानें दिखेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी दुकानें जो है बाइक के स्पेयर पार्ट्स, आपको A to Z बाइक का स्पेयर पार्ट्स, A to Z बाइक का मॉडिफिकेशन एक अलग चीज़ होती है दोस्तों, और जो है स्पेयर पार्ट्स एक अलग चीज़ है। तो आपको दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ही काम आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हो या ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ले सकते हो, दोनों ही काम हो जाएगा आपका। अब देख सकते हो यहाँ तक जो है दुकानें हैं, और मेरे ख्याल से फ़िलहाल आगे अभी कोई दुकान नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अभी टर्न लेंगे और हम लोग वापस चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों वापस जा रहे हैं हम लोग, वापस जाते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोनों साइड आपको दुकानें दिखेगी, आप किसी भी दुकान में जाओ भाई रेट भाव ताव करना जो है ना, बार्गेनिंग करना मत भूलना भाई, बार्गेनिंग नहीं करोगे तो लूट लेंगे ये लोग आपको। तो आप भाई किसी भी दुकान में आओगे ना तो भाई बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि भाई होती है चीज़ 100 की, लोग बताएंगे आपको 300-400 पहले से ही। तो अगर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो उतने में आपको पकड़ा देंगे वो चीज़ लोग, तो बार्गेनिंग ज़रूर करें भाई। यहाँ पे फुल बार्गेनिंग वाले की चलती है, और भाई थोड़ी बम्बैया भाषा आके बोलना इधर आएंगे तो, ऐसा नहीं कि एकदम शरीफों वाली भाषा मत बोलना, या तो बम्बैया भाषा बोलना या तो मराठी में चालू हो जाना। तो मराठी नहीं आती तो बस अपनी बम्बई की बोली बोलना। नहीं तो ये लोग क्या समझेंगे, बोले ये आउटसाइडर है, बोले इसको चूना लगा दो, बोले समझे। मार्केट इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको मैं ज़्यादा दिखा सकूं, मगर भाई जितनी भी दुकानें हैं उस पर सामान, मतलब यहाँ तक कि इंजन, गाड़ियों का इंजन, बाइक्स का इंजन से लेके आपको एक छोटी सी छोटी फॉग लाइट्स और अलग अलग चीज़ आपको मिलेगी, मतलब जो फैंसी लाइट्स होती है, ब्रेक की ब्रेक लाइट्स होती है। तो मैं तो यहाँ से मॉडिफिकेशन करा चुका हूँ जो मैंने आपको बताया अभी वीडियो के शुरुआत में, तो ये सारा मॉडिफिकेशन मैं यहीं से करा चुका हूँ दोस्तों, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने रेडियम लगवाया था। तो अगर आपको रेडियम लगवाना है अपनी बाइक में, जैसे कि मैंने बताया आपको आगे की तरफ वाइजर में जो मैं रेडियम लगाया, तो वो आपको मैं शॉप बता देता हूँ। अगर आप इधर ही नाला सुपारा वसई या फिर नाईगाँव के करीब रहते हो और आपको नहीं मिल रहा है कोई रेडियम वाला, तो आप वहाँ जाकर लगवा सकते हो। वैसे तो देखो भाई रेडियम वाला कोई भी जो नंबर प्लेट का काम करता है ना, जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो यूजुअली वो बंदा भी आपको रेडियम का काम करके दे देगा। मगर वो अगर बंदा नहीं कर रहा है काम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% वो बंदा काम करे ही, अगर वो नहीं कर रहा है काम, तो जो नंबर जो गाड़ियों का जो ग्लास टिंटिंग का, तो गाड़ियों का जो ग्लास लेमिनेशन का जो काम करते हैं वो लोग कर देंगे। ये देखो ये रही वो दुकान झाड़ के नीचे, मैं आपको घुमा के लेके आके फिर बताता हूँ। तो ये रही वो दुकान, ये झाड़ दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑलरेडी इंश्योरेंस है। ये देखो ये जो ऑलरेडी इंश्योरेंस दिख रहा है ना, यही ये दुकान है। तो आप वसई फाटे से आएंगे ना भाई, वो देखो वसई फाटा करीब है, वो आपको वसई फाटा दिख रहा है, वहाँ से लेफ्ट लोगे ना, वो जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ से लेफ्ट लोगे थोड़ा आगे आने पर ये झाड़ दिखेगा आपको, ये झाड़ के नीचे ऑलरेडी इंश्योरेंस, ठीक है। मैं चाहिए तो इसका लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ठीक है दोस्तों, वापसी करते हैं अपना घर पे।
ये देखो भाई इलेक्ट्रिक बाइक है और पीछे बैक रेस्ट भी लगा है, देखो आप ई बाइक तो मतलब काफ़ी एडवांस हो चुके हैं आजकल ई बाइक्स भी। देखो कैसे भगा रहे भाई सब, डबल में भी सब पावर आ गया और अब भगाने को भगाना क्या बोलते हो तो मैं अभी इनको बताता हूँ। ये देखो इसको बोलते हैं भगाना। अब ये बचकाने लोग क्या जाने भाई भगाना किसको बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।